बाली खपोला शर्मा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे साथ के जमाने की बड़ी अच्छी टीम थी। मनीष साहब मैं सेल्फी वालों हो रही शर्मा जी पत्रकार बंधु सुरक्षा कर्मी खाना पीना भी सामने है उपस्थित क्षेत्रवासियों भाई यहाँ के प्रशासन को हमने हमेशा सहयोग करा। कुछ भी बात हो बुरियाई बनाई भी जेल के यहाँ के प्रशासन को कुछ भी हमने अपनी बात भूलती हटा ली पर यहाँ का प्रशासन कमजोरी से मंझ रहा आज बात की इस बात की कमजोरी समझे जने तो इनकी तो मजबूरी है ये इस बात को मन से निकाल दे। हम तो हमने इस जिले में क्या पूरे देश में पूरे प्रदेश में इतना भाजपा का सहयोग भारतीय जनता पार्टी का जितना सहयोग भारतीय किसान यूनियन ने खुल का करा किसी भी पार्टी का नहीं करा। देखो बिल्कुल हम हकीकत बता रहे हम झूठ नहीं बोलते हमने जितना सहयोग इस पार्टी का करा किसी भी उसका नहीं करा पर इनने इस पार्टी ने हमेशा किसानों का दमन करा। हमने कुछ भी बात हो अपनों की बुरियाई भी झेल ली सारी वहां होगी बातचीत फिर भी मगर भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है कितने स्टेट में सरकार है पर जब इसकी किस्मत में भलाई नहीं है इस भाजपा की किस्मत में भलाई नहीं है तो हम क्या करें। इसकी तो उल्टी गिनती शुरू हो रही जोर जबरदस्ती यहां का प्रशासन भी इस भारतीय जनता पार्टी की बहू बन का काम कर रहा हम खूब खुलकर कोई हमें कोई फरेज नहीं है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अच्छे हैं कोई वो नहीं है पर इतना दबाव उनके ऊपर है इतना दबाव उनके ऊपर है कि वे सही काम नहीं कर पाएंगे। अरे बाबा ठीक है किसी को ऐसी उसकी जरूरत है किसी पद की जरूरत है किसी उसकी ऐसा मारे पे तो मांगो यहां से आने के यहां से मांगो ना आने के तो हमें प्रमुख बनाओ हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ हमें कुछ बनाओ बताओ यहां से आने के मांगो पर जब इनकी किस्मत में नहीं है क्या करे। जब इनकी किस्मत में नहीं है तो हम क्या करे क्या नहीं करे हमने निकल लिया 7 महीने पूरे उत्तू हो रहे दिल्ली कई लाख आदमी वहां से गाजीपुर बॉर्डर सिंधु बॉर्डर टिगरी बॉर्डर और एक और है डासा बॉर्डर है तरह तरह के आरोप किसानों पर लगाए जा रहे सारे आरोप फैल हो रहे इनके। हम तो यहां कहे कोई एक काम तो ये बता दो हमने यू काम कराया डीजल के रेट 100 तो ऊपर जा लिए बिजली का तूफान बेहिसाब बिजली का बिल इतना बेतुका हो गया गन्ने का रेट 4-7 और ने बधानी तो आखिर को हमें भी तो कुछ चाहता होगा भाई किसानों को भी तो कुछ चाहता होगा सही नहीं यही तो पां पिटू जाएंगे इनके लिए 4 साल हो गए गन्ने का रेट नहीं बढ़ा जब सन 2014 में भाजपा की सरकार बनी साथ में रेट 40-42 रुपए रेट था डीजल का दुगने से भी ज्यादा हो लिया क्या गन्ने का रेट नहीं हो सकता दुगने से ज्यादा क्या नहीं है सरकार के हाथ में। तो हम तो यही कहे इस तरह की बात तो बा जावे या घृणी हरकत तो बा जावे कल
उसके धर्मेंद्र की घरवाली, उसकी माँ भी, उसका चाचा वहां 12 पे ही गए थे। लाठियान जी ने बताया कि ना भाई नुन्नू बात हुई, हमें भी एक घंटे का टाइम दिया था, कल एक घंटे का ही टाइम दिया था कि एक घंटे में आ जाएगा। आज भी प्रशासनिक अधिकारियों का मेरे को फोन आ रहा है, कहने में वहां से एसएसपी ऑफिस में बैठा हो, पर मैं सारी जान मिलती जब ना यहां से भेज दो सब तो एक ही बात, हमने घरों चले जाएगा तो कुछ नहीं। इनकी तो पथने में करने में इतना फर्क हो रहा, हम ये प्रशासनिक अधिकारी बन रहे, मुकदमे लगाना इनका काम, ये तो 2022 के चुनाव आ रहे, इनके साथ कितने ही तो इसमें तो भाजपा में तो भागड़ को तैयार हो रहे, वे भी थोड़ा सा नोई टेम टाल रहे भाई लावासी लग जाए चुनाव जी भी कर लियो। सपा में तो कितने ही तो भाजपा में तो जाएगा, सपा में आए साथ आज के पेपर में आ। हम आप लोगों को एक ही बात बता रहे भाई, भारतीय किसान यूनियन तो सदा बाहर है ना, इनका कुछ फर्क पड़ता कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, इन्हें राजनीति शौक है कुछ, इन्होंने तो हमेशा कुछ भी बात हुई हो, पिछले जिला पंचायत में समाजवादी का विरोध करा, नु कहते भाई गुंडागर्दी ढेर दिखावे समाजवादी वाले, मगर नहीं भाई हमने उसका भी विरोध करा भाई, निष्पक्ष चुनाव हो, हमने वो नहीं करी, हमने बेईमान लेकिन नहीं कही, हमने कहा निष्पक्ष चुनाव हो, जहां जिसकी जिम्मा में वहां वोट दो, या रांद लगरी मरत्यान इसकी बंगाल गया और जिला पंचायत में मेरठ बागपत श्यामली सहारनपुर बिजनौर जहां लोग भी बुझे सारे को सफाया होता जा रहा है इसका, सारे को सफाया है। यहां से मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा अंगा इन लगा रहे, अगली जिला भारतीय किसान यूनियन का भी जिला है, गृहनगर है, यहां से जो या यूनियन की भी धरती यही है, यहां से मुजफ्फरनगर ही इसमें भी वो लगा रहे, करवा सके बेईमानना ऐसी ना कुछ बात बेईमानना, तो जी प्रशासनिक अधिकारी ने वो कह दे कहने भाई ये जितवाना जी हरवाना तो ये करवा देने, हम तो यही कहे एक निष्पक्ष बात चाह, ये प्रशासनिक अधिकारी ये तो पाप लग रहे करण, ये क्यों पाप में डूब रहे, अरे जो इस जिले का डीएम है एसएसपी है एडिशनल एसपी है तो ये क्यों इनके पाप के भागी बन रहे, इन्हें तो जाना इन्हें कोई नहीं बचा सकता, पर ये क्यों कर रहे काम, ये ना कर रहा था इस तरह की चाह, एक इतिहास बनना चाह, अब कितना बढ़िया चुनाव वहां से हो रहा, सब अपने तरीके से अपनी वोट गेंद भाई, जो कोई जिसमें विश्वास रखे उसकी उसमें वोट गेंद दो अपना ठीक है। 3 तारीख लोग चुनाव संपन्न होने हैं, वो धर्मेंद्र की घरवाली है, उसकी माँ है, उसका परिवार है, ये लोग कह रहे हैं हमारे का अपहरण कर लिया, कि भी तो वोट 8 मिनट लग रही पड़न असल से राज्य रीत में मना लो को ठीक है भाई तुम्हारी वोट दे दो, तुम तो अपने घरों तो रह लो, तो निकालस गुंडराज है भाई इस सरकार में, निकालस गुंडराज है, हम तो खुल के कह रहे कोई वो नहीं, कोई हमें कोई डर खोप नहीं, कोई इस बात का कुछ भी कर लो, निकालस गुंडराज इसका बड़ा गुंडराज कहीं नहीं, हमने तो देखा नहीं भाई आजादी के बाद में, हम तो बाद में ही पैदा हुए पर सुने बात, ये तो राजा महाराजा वाली बात कर रहे हैं, कहने भाई जो कर तलवारों की उनकी लड़ाई थी, इस तरह की तो वो नहीं है बात, लोकतंत्र है इसमें तो इसमें ऐसी नहीं होने की बात, इन्हीं की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार जो इनका इन पर पीछे से, हमने थोड़ा सा वही कह रहा था मगर इनका विरोध होगा,
हमने कोई वो नहीं कह रहा था भाई इनके इन पर प्रतिबंध लगाए ना हमारे पर कोई इनके प्रतिबंध का कोई फर्क पड़ता। इन्हें चिट्ठी पत्र की बात थी भाई ना चिट्ठी पत्र ना तो खाम का विरोध हो गया ना मतलब का किसी के कहीं को संबंध है किसी को कहीं को है तो उसका भी और तरह था वो कर दिया। हमें से थोड़ा ये आदमी हम तो संबंध है किसी का सबका ठीक है अपना बुलाओ बतलाओ फोन फोन कर दो। हरियाणा में वंग का दबाव हमारे पर काफी पड़ रहा हरियाणा में हेलीकॉप्टर नहीं उतरन देते मुख्यमंत्री का कोई मंत्री उद्घाटन पर जा कोई विधायक उद्घाटन पर जा उस पर निकरण देते बुरा दिन है वहां से सिर्फ नाम चाहे कि वहां से सरकार है भाजपा के कुछ नहीं यहां से भी हम तो यहीं से आ रहे भाई यहां से ऐसी ना कुछ बात हो ये अपना काम धंधा ठीक ठाक कर लो जो कुछ भी इनके पास समय है 2022 में तो इनका सफाया तो है ही कोई नहीं कोई दोहरा नहीं कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं बचाने का इन्हें हम भी कोशिश कर लो आप भी कोशिश कर लो उल्टे सुधे काम जहां से जो कुछ भी बात है भाई यू भाजपा के खिलाफ है यू उसके खिलाफ है जो यहां भाजपा के भाई विधायक है और मंत्री है तो जो कुछ भी कह देंगे मैं थाने में कह देंगे भाई यू होना तो नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी कोई भी मारी तो एक आधी परसेंट बात मान रहे हैं जो इनके मतलब की हो अन्य 99% उन्हीं की चल रही 99% उन्हीं की बात चल रही भाजपा वालों की यहां से चाहे उल्टा सुधा कुछ भी काम हो जो प्रशासनिक अधिकारी है जिम्मेदार है मैं हमें कह के ना जी सिमझो आप लोग सारी सिमझो बात अरे मगर सिमझो सा कुछ तो माखी बाल तो देख लो आखिर जैसा सिमझे 19-21 हो जा 21 उनकी मान लो 19 तो आम जनता की भी मान लो नहीं यानी बात लोगों के साथ दुश्मन आ गया आपस में इस तरह तो बंधवा दी हम तो इस जनता को भी कहे भाई कहनी मोटी बात अपनी भी उल्टी हटानी सीख लो डोल डांडी पर उपकरोड़ा हो जी गद्दे से थाने के ढंग को भाग गए दोनों थोक थाने के ढंग को जाएंगे हम लोग कह रहे हम कहीं के लिए है ये जो जिम्मेदार है कहीं के लिए है क्षेत्र वाले इनके इन तभी तो पता नहीं लग रहा हम थाने में जाना जा नहीं मानते बताओ क्या इलाज करें किसी भी आदमी को जीव तो हमने होश से मारी किसी भी आदमी को हमने निकाल भाई तू रिपोर्ट करिया कोई भी एक आदमी हमें बता दो किसी को भी हमने कहा भाई 10 बार बुला लो हमें 20 बार बुला लो समाज के बीच में या आप लोगों के बीच में या बसना सीखो मेहनत मजदूरी आप लोग कर रहे गुजर बसर बहुत ही थोड़ा टंडीरा रह रहा आप लोगों का क्या करोगे खेती तो हम भी करें हमें सारा पता हमें कोई वो नहीं है कोई भी कोई लोग कहता हूं खेती में तो बचत हो रही कुछ नहीं हो रही आपस में अपने संबंध भी आप लोगों के खराब हो रहे यह बात भी हमने कही के ना मोटा समय मिले समाज के कामों में भी हिस्सा लो दो या दम की बात मान लो अपनी बात उल्टी हटाने सीखो समाज की तो यही बात है भाई और आप लोग देख रहे हो हमें खैर इस उसमें पता नहीं कमेटी का गठन हो रहा क्या कमेटी का गठन हो रहा जो कुछ भी निर्णय लेंगे निर्णय लो हम लोग बताते रहते हैं आपकी समिति है अरे नहीं किसान यूनियन तो हम सब ने ये तय किया था आपस में घर का भला जिस लड़ाई लड़ते हैं जो आप तय करेंगे जिसकी सलाह क्या आप दें जिसकी नाश्ता नहीं हम तो यही कह रहे हैं थाना अध्यक्ष को बुला लो यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारी बड़े हो एडिशनल एसपी भी आ रहे हो हमें लगे यहाँ से उन्हें बुला लो और वे सबके बीच में करते हैं अपना यहाँ से
या फिर ले आओ उसे अपना धरना समाप्त हो जाएगा। और मारी क्या कुछ ऐसी है बात है भाई, कुछ मारी इतनी बड़ी बात है ना, कुछ सुना मशवरे की बात है भाई जिस उस पर वो भी हाँसी अपना आने का कह दो, धर्मेंद्र भी हाँसी आने का कह दो, मैं तो उसकी ओट दूंगा दे लो, कोई क्या वो है बातचीत, कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है भाई, ये तो थोड़ी सी है या गुंडागर्दी है भाई, क्यों उठा कर ले गए उसे, मोटी बात है इसमें तो कोई वो नहीं, घर के ये पीड़ित बैठे उसकी घरवाली है आज लड़वे तो बता रहे हो तुम नहीं करना लड़वे वाला भी नाजिम नाजिम ठीक है, दोनों की बात है, दोनों अपना अपना यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारी है जो सुन रहे हो या बुला रहे हो वो मैं यहाँ से अपना आने का बताते, जिन लोग नहीं आते तो बैठे यहाँ से, यहाँ से बैठे यहाँ तक कोई वो नहीं है बातचीत, क्यों क्या कुछ किस उस्ता उठे यहाँ था भाई, भाई हम भी बैठे हैं कि आप लोगों के बीच में, हम तो कह रहे भाई या गुंडागर्दी समाप्त हो, एक अच्छा प्रशासन चले, मारी कोई वो नहीं है, कोई ना किसी मारी किसी राजनीति पार्टी से ना किसी से, मारी तो यह भाजपा है, इसके इसकी भी विचारधारा खराब हो रही है, किसानों के प्रति विचारधारा इसकी खतर वो बेकार है, यानी ये छह आदमी इसमें भी है, हम थोड़ा एक बार एक ढंग जो भाजपा में हमें खराब है, हम तो विचारधारा के खिलाफ है, भाजपा की विचारधारा किसान विरोधी है, इसका विरोध है भाई, इसी का विरोध दिल्ली में है, वहां से भी थोड़ी सी तो बात है, वहां से लोग कहते कि ना भाई प्रधानमंत्री चंद कदमों पर दूर है, हमें तो कदम पता नहीं कहाँ है क्या है, बातचीत तो करो, बातचीत करो, पर बातचीत करे तो वहां पे किसका जी नहीं करता भाई आने को अपने घर, किसका जी नहीं करता अपने घर आने को, सब याद भी बाजा बाजा तो वहां 7 महीने लुकन हुई हो, 7 महीने वन तन यार आप लोग वहां का भी ध्यान रखो, जो कर तो रहे फिर भी बहुत ध्यान कर रहे, पर और भी ज्यादा करो, आप लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही, और इस उसमें भाई प्रशासनिक अधिकारी अपना आओ यहां से, और यहां से आने का बताओ भाई क्या है मामले, ऊपर से मामले को सुलझाओ, नहीं कुछ बात है तो फिर जिम्मेदारी इनकी होगी, जो प्रशासन यहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, ये और कुछ निर्णय ले, कुछ जाने का मुझे फरनगर निर्णय ले, कुछ भी करे वो निर्णय ले तो भाई फिर उसमें भी हम तो सहयोग करेंगे, पर साथ साथ हम भी चलेंगे, और क्या है बात, ठीक है, जय हिंद जय भारत।